मैन ऑफ द मैच, कुलभूषण इज द मैन ऑफ द मैच। अपन थोड़ा सा बाजूला व्हायचं आहे, डॉक्टर आशीष वसई नवजींचे चॉकलेट बॉय डॉक्टर चोपडाजी यांचा सुद्धा आगमन झालेला आहे। आपला सुद्धा मनमरवा, आपला सुद्धा मनमरवा हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। आज ते बाकू या ठिकाणी जाणार आहेत, हो माय गोट्या खेळण्याचा सुद्धा स्पर्धा आहे मला वाटते, हो मॅचला होते सुरुवात। दोन्ही टीमला ऑल द बेस्ट, पहिली क्वार्टर फायनल मॅच, दोन्ही टीम सज्ज आहेत। पहिलाच बॉल अप्रतिम डिलिव्हरी, जबरदस्त बॉल। या ठिकाणी टॉस जिंकला एनडीएफ टीमने, टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंगसाठी प्रचलन केलेलं आहे ते वाडा टीमला। ही पहिली क्वार्टर फायनल मॅच आपल्याला पाहायला मिळते, एनएमए विरुद्ध व्हीएनडीए जी यजमान टीम आहे। या दोन टीम मध्ये टॉस केला जाईल, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आहेत आणि डॉक्टर पठारे सर यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल। एक जबरदस्त क्लासिकल फटका, कट शॉट, फ्लॅश स्कोअर कॅट आणि बॉल जाईल पॉइंट बाउंड्री बाहेर, चार रनसाठी चौकार। व्हीएनडीएने टॉस जिंकलेला, यजमान टीमने टॉस जिंकलेला आहे। टॉस जिंकल्यानंतर भरपूर खुश दिसतात डॉक्टर आशीष सर, काय निर्णय असेल त्यांचा बघूया। ओ लॉंग वे शफल केलेला या वेळेला, लॉंग लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, डॉट बॉल जातोय। एक चांगला फटका आल्यानंतर चांगला कमबॅक सुद्धा करताना दिसतोय एनडीएफ टीमचा गोलंदाज इम्रान। एनडीएफ विरुद्ध वाडा या दोन टीम मध्ये ही मॅच, पाच षटकाचा हा सामना आहे, वेळेबद्दल जरूर सहकार्य करा। या वेळेला बघितला फोर्सिंग शॉट लॉंग ऑफला, फिल्डर आहे, चांगली फिल्डिंग, एकच रन फक्त मिळेल, एक पेक्षा जास्त काही नाही। एक ने स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोर बोर्ड वर, पाच रन। यस बॉल किती झालेले आहेत, चार बॉल मला वाटते रिटायर्ड हर्ड होतात का, आय थिंक रिटायर्ड हर्ड हे फलंदाज होतात, थोडीशी दुखापत कारण अजित जाताना दिसतोय। मॅन ऑफ द मॅच राहिले होते मागच्या मॅच मध्ये तेच अजित, ह्या वेळेला बॅटिंग साठी जाताना दिसतात क्रमांक तीन वर। आणि क्रमांक तीनचा जो नंबर आहे अतिशय महत्वाचा नंबर आहे भारतीय टीम मध्ये, जर आपण बघितलं क्रमांक तीन वर विराट कोहली यांनी या विश्वचषकामध्ये जबरदस्त खेळी केली। पुढील बॉल टाकण्यासाठी इम्रान,
ओ जॉर्ज खेला बॉलला की हा लेग स्टंप बाहेर जाणार आहे आणि व्हाइट चा इशारा पंचांचा होतो एक अतिरिक्त रन मिळते स्कोर जाऊन पोहोचतोय 6 वर 50 चे वर रन्स यायला पाहिजे तर एक चांगले टोटल आपण म्हणू शकतोय पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर फोसिंग शॉट पुन्हा एकदा ओ मिड ऑफ लॉब बीट केलंय आणि मात्र लॉंगनचा फिल्डर येतो लॉंग अपच्या दिशेने अतिशय चांगली फिल्डिंग प्रयत्न तर चांगला होता मिड ऑफचा फिल्डरला सो वरून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर हाताला ब्रश करून हा बॉल गेला होता हा जर कॅच झाला असता तर अच्छा दिवसामधला हा सर्वोत्कृष्ट एक स्पेक्टॅक्युलर कॅच आपण म्हणू शकला असतो पुन्हा बॉलिंग मार्कवर ओ ह्या वेळेला पुल करायचं होतं बॅटच्या खालच्या एजला हा बॉल लागतोय जागीच राहतो बॉल कुठल्या प्रकारचा रन नाहीये या बॉलवर डॉट बॉल जातोय ओव्हरची होते समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर आहे स्कोरबोर्ड वर वाडा टीमचा 6 रन्स 8 रन स्कोरबोर्ड आहे स्कोरबोर्ड वर श्रीकांत येतोय बॉलिंग मार्कवर श्रीकांत पहिला बॉल घेऊन जाईल ओ जबरदस्त हिट पॉवरफुल फटका टॉवरिंग सिक्सर डीप मिड विकेटच्या बाहेर बॉल डिस्पॅच होतो षटकारासाठी अप्रतिम शॉट या षटकाराने टीमचा स्कोर जाऊन पोहोचतोय 14 वर 14 रन्स ह्या वेळेला एज लागली आठव्या बॅटनी जास्त बॅटिंग करताना दिसतोय बॅटर आपल्याला अजित मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता कॉमेंट्री बॉक्स समोरून थोडासा बाजूला बसायचा प्लीज डॉक्टर सत्यजीत जी हे विनंती आहे थोडस बाजूला बसायचं प्लीज उठून साईडला बसलं तर बरं होईल कारण आम्हाला पिचच दिसत नाहीये नाहीतर मी कॉमेंट्री व्यवस्थित करू शकणार नाहीये पुलचा फटका फिल्डर आहे चांगली फिल्डिंग होते फक्त एकच रन मिळेल फटका तर चांगला होता मात्र फिल्डिंग तेवढीच चांगली चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं या बॉलवर आपल्याला आणि एक रन मिळतो एकने स्कोर जाऊन पोहोचतोय 16 वर 16 विदाउट लॉस हे फक्त बॅटर आपण बघतो जो गेलेला आहे तंबूलमध्ये तो रिटर्न हर्ट बनून गेलेला आहे यस अंपायर यस श्रीकांत बॉलिंग मार्कवर आहे पुन्हा एकदा ओहो जबरदस्त हिट लॉंग आणला आणि लॉंगांची एरिया क्लिअर करतो हा बॉल आणखीन एक षटकार हा बॉल स्लॉट मध्ये दिला होता श्रीकांत याने आणि जसा बॉल स्लॉट मध्ये मिळाला या बॉलला पाठवून दिला पार्किंग लॉट मध्ये फलंदाज अजितने षटकारासाठी स्कोर जाऊन पोहोचतोय 22 वर फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा एक जबरदस्त हिट फिल्डर आहे मात्र कॅच सुटतोय
वन बाउंस बॉल लॉन्ग ऑफ वन इन लॉन्गांच्या मधून जातोय चौकारासाठी. दोन षटकाची समाप्ती, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर टॉस हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना वाडा टीमचा स्कोर आहे स्कोरबोर्ड वर 26 रन्स. सुरेश येतोय बॉलिंग भाग पर. सुरेश अब आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद ना लेफ्ट आर्म मारे सुरेश. इस वक्त ड्राइव कर दिया कवर्स की दिशा में. नजदीकी कोई खिलाड़ी नहीं थे, डीप से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ही रन पूरा कर लिया दोनों भी बल्लेबाज ने. और ये सिंगल से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 27 रन 27. क्रॉस बैटिंग शॉट खेलने की कोशिश, थर्ड बैन में गेंद चली गई और फील्डर थे वहां पर, सिर्फ सिंगल भी मिल पाएगा यहां से. सिंगल से स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 28 रन. पुल कर दिया और ये पावरफुल होगा क्या? नहीं, बहुत ही अच्छा कैच का कॉर्नर की दिशा में लपक लिया वहां के खिलाड़ी ने और एक विकेट का पतन. ये पहला विकेट जाएगा वाडा टीम का. अब हिमांशु नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जा चुके हैं. नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हिमांशु. स्कोर तो अच्छा है स्कोर बोर्ड के ऊपर लेकिन विकेट यहां पर गिर चुका है और विकेट गिरा है ऋषि का. लेकिन जब तक अजीत तो विकेट के ऊपर डटे रहेंगे तब तब खतरे की घंटी बजती रहेगी एनडीएफ टीम के सामने. तैयार गेंदबाज अगली गेंद लेके पुल करने की कोशिश, यहां पर चूके बल्लेबाज. डॉट गेंद प्ले एंड मिस और एक डॉट गेंद. बहुत ही अच्छा कमबैक किया है सुरेश ने इस ओवर में. सिर्फ और सिर्फ दो रन खर्च किए हैं चार गेंदों में. पीछे अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेश. लेफ्ट आर्मर है, नेचुरली लेग ब्रेक होता है. गति भी अच्छी है और गेंदों को टर्न भी अच्छे तरह से करा रहे हैं गेंदबाज सुरेश. सिर्फ दो रन खर्च किए अब तक इस ओवर में. काफी किफायतीदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुरेश. आखिरी एक गेंद शेष रहेगी सुरेश की इस ओवर की. स्कोर काफी देर से रुकता हुआ 28 के ऊपर. फिर से क्रॉस बैटिंग शॉट और एक डॉट गेंद. अपील यहां पर नॉट आउट डिसीजन, रनआउट की अपील थी. सिंगल दौड़ लिया क्या यहां पर? बिल्कुल 22 का इशारा तो एक रन 22 के रूप में टीम के खाते में जुड़ता हुआ. स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 29 रन. तीन ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन. अगले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है. दोनों टीम आपको रेडी रहना है
एमएनए और वीएनडीए जी यजमान टीम है उनके बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखा जाएगा। यहां से जो भी टीम क्वार्टर फाइनल में जीती वो लक्की ड्रॉ में जाएगी और लक्की ड्रॉ अनुसार दो चिट्ठियां उड़ेंगी जिसमें से एक चिट्ठी जिसका नाम निकलेगा वो डायरेक्ट टू फाइनल, फाइनल का टिकट मिलने वाला है उस चिट्ठी में। और बची हुई टीम जो है वो खेलेगी एनएमआई टीम के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में। बॉलर्स नेम अशोक आ चुके हैं, डॉक्टर अशोक गेंदबाजी के लिए। हो एज लगी थी लेकिन पैरों पे गेंद लगी, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कन्वर्ट करना चाहते थे ऑन साइड के दिशा में लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए बल्लेबाज अजीत। ये डॉट गेंद जाती हुई अजीत नहीं है, स्ट्राइक इनके ऊपर है हिमांशु। बहुत ही अच्छा फोर्सिंग शॉट लेकिन लगन में खिलाड़ी मौजूद, अच्छा कैच लपक लिया, दूसरे विकेट का पतन वाडा टीम का, आउट हो गया पवेलियन में। वापस जाएंगे बल्लेबाज हिमांशु। बहुत सोच विचार करने के बाद अभी भी विचार अभी जारी है, मैं अनाउंसमेंट करने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सोच विचार किया उसके बाद फैसला दिया है टॉस जीतने के बाद वीएनडीए टीम ने कि हम बॉलिंग करेंगे। बैटर नेम ट्वेल्थ मैन वाडा टीम के ट्वेल्थ मैन, किधर चले गए आप? यह संपायर रिटायर्ड हर्ड सा, बिल्कुल रिटायर्ड हर्ड जो हुए थे अक्षय वही आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छा शॉट, अच्छा ऑन ड्राइव है, लॉन्ग रन में खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन मिलेगा अक्षय को। एक रन से स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 30 रन। पहले दो ओवर में अच्छा स्कोर बन चुका था लेकिन तीसरे ओवर के बाद स्कोर थोड़ा सा थमता हुआ। फिर से एक बार एक रन निकाला, फिर से रिटायर्ड हर्ट होते हुए बल्लेबाज अक्षय। अब अक्षय की जगह लेने के लिए जा रहे बल्लेबाज वाडा टीम की जानिब से अतुल। अतुल को अब अतुल ने कामगिरी करनी पड़ेगी क्योंकि स्कोर थोड़ा सा रुक गया है यहां पर वाडा टीम का। चौथी ओवर जा रही है, पिछले 9 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 4 रन आए हैं। हमारे ऑफिशियल स्कोरर प्रणव सामंत हमें बता रहे हैं। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद लेके लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को लॉन्ग रन के बाहर सीधे 6 रन के लिए सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, कमाल का अद्भुत शॉट यहां पर आता हुआ अतुल के बल्ले से और ये अतुल का अतुलनीय शॉट। 6 रन से टीम का स्कोर अब छलांग लगाता हुआ 36 के ऊपर। और एक अच्छा शॉट है, लॉन्ग रन के खिलाड़ी आए, अच्छी फील्डिंग की लेकिन एक एक्शन में फील्डिंग और थ्रो किया था इस खिलाड़ी ने। स्कोर जा चुका है 37 के ऊपर। चौथी ओवर जारी, आखिरी एक गेंद शेष, अशोक के ऑफ स्टंप के बाहर वाइट का इशारा अंपायर काकड़ सर द्वारा। एक रन और छूटता हुआ टीम के खाते में, स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 38 रन।
ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद सुमित थे वहां पर, अंडर आर्म थ्रो किया, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाज ने, सिंगल का डबल में कन्वर्ट कर दिया और दो रन यहां पर आसानी से पूरे कर लिए। दो से स्कोर जा चुका है 40 के ऊपर, चार ओवर की समाप्ति, 10 के औसत से यह स्कोर बन चुका है। अभी भी एक आखिरी ओवर शेष, इस ओवर में 10 या 12 रन आते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। वसई नायगांव डॉक्टर एसोसिएशन VNDA ट्रॉफी 2024 के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल चुका है, बजाज अलायंस फाइनेंशियल सर्विस जिनके तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और पिछले 9 सालों से डॉक्टर के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रही है ये बजाज अलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी। बिल्कुल बहुत सारे इंश्योरेंस भी है बजाज अलायंस के। आखिरी ओवर शेष और आखिरी ओवर करने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्क के ऊपर, बॉलर नेम विजय आ चुके हैं बॉलिंग के लिए NDF टीम की तरफ से। अच्छा ड्राइव, ऑफ ड्राइव, गैप में खेल दिया, इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे, खिलाड़ी गेंद सीधी निकल गई लॉन्ग ऑफ के बाहर, सीधे 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त करारा ऑफ ड्राइव अजीत के बल्ले से आता हुआ, कोई भी मौका नहीं था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को, थोड़े से स्टेटस थे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, और बहुत ही जबरदस्त करारा ऑफ ड्राइव, 4 रन के लिए गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, और इस 4 रन से टीम का स्कोर अब छलांग लगाता हुआ जा चुका है 44 के ऊपर 44। बॉल पांच गेंदे अभी भी शेष है और देखना है और पांच गेंदों में कितने बड़े शॉट आते हैं। पहले गेंद के ऊपर चौके से स्वागत कर दिया है बल्लेबाज अजीत ने विजय का, अतुल ने यह चौका लगाया था, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया गेंद तारा मंडल में और भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रन के लिए। इस छक्के के सहारे अब टोटल बन चुका है कुल मिला के 50 रन वाडा टीम का। फिर से एक बार तैयार, पहले दो गेंदों में 10 रन आ चुके हैं और थोड़े से प्रेशर में अब ऑफ स्टंप के काफी बाहर बचने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन फील्डिंग भी थोड़ी सी खराब, 2 रन यहां पर पूरे कर लिए बल्लेबाज ने, वाइट का भी इशारा आता अब जाके अंपायर का, यानी कुल मिला के 3 रन वाइट के रूप में टीम के खाते में जुड़ते हुए, बहुत ही खर्चीले साबित होते हुए पहले दो गेंदों में गेंदबाज विजय जिन्होंने अब तक 13 रन खर्च किए दो गेंदों में, बहुत ही महंगे साबित होते हुए। आगे निकलकर बहुत ही लंबा छक्का, ये गेंद भी जाएगी लॉन्ग ऑन के बाहर और एक सिक्सर। आखिरी ओवर में वाडा टीम के बल्लेबाजों ने गियर चेंज कर दिया, अब टॉप गियर पर इनकी गाड़ी चलती हुई, छक्का आ चुका है और अब स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर 59 रन। आधे घंटे के अंदर लंच बंद हो जाएगा
और एक बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, मिस फील्डिंग और ये भी गेंद जाएगी डीप कवर, स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। स्कोर जा चुका है 63 रन के ऊपर। फक्त अर्धे तासानंतर जेवणाची व्यवस्था बंद होणार आहे, ज्याचं कोणाचं जेवण बाकी आहे त्यांनी जेवण करून घ्यायचं आहे। काउंटर आहे ते अर्धे तासाने बंद होईल। पुन्हा एकदा ड्राइव्ह केला जातोय, लॉंग ऑफला फिल्डर आहे, एक रन ना पूर्ण, दुसऱ्याचा कॉल, दोन रन या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात। फक्त मोठे फटकेच नाही आहे तर सिंगलचा डबल मध्ये कन्वर्ट करणं सुद्धा महत्त्वाचं असते क्रिकेटमध्ये। सिंगल आणि डबल ज्याला क्रिकेटची लाईफलाईन म्हटली जाते, ज्याप्रमाणे मुंबईची लाईफलाईन बेस्ट आणि लोकल ट्रेन आहे। स्कोर जाऊन पोहोचतो 65 वर। टॉपेज टॉपेज आणि विकेट, स्वॉप डिसमिसल बाद होतोय अतुल, ओव्हरची सुद्धा होईल समाप्ती। शेवटच्या बॉलवर विकेट मिळवण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय विजय। स्कोर झालेला आहे 65 रन, 66 रनचा टार्गेट असेल ही मॅच जिंकण्यासाठी एनडीएफ टीमला।